नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड के अंदर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के काम में भारी लापरवाही देखी जा रही है। लापरवाही के कारण ही धाम में एक मकान अलकनंदा नदी में समा गया। यही नहीं, धाम में अलकनंदा नदी के तट पर निर्मित कई मकान और धर्मशालाएं अभी दोस्तों खतरे की जद में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि समय रहते अगर बद्रीनाथ मास्टर प्लान का निर्माण कार्य कर रही संस्था अलकनंदा नदी के किनारे दीवार का निर्माण करा देती तो घटना नहीं होती। भवन के स्वामी राजेंद्र के मुताबिक इन दिनों प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के तहत अलकनंदा नदी के किनारे सौंदर्यकरण के कार्य के लिए कटिंग की गई है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य कर रही कंपनियों ने सुरक्षा दीवार का काम नहीं किया, इस कारण मकान नदी में समा गया। उन्होंने कहा कि धाम में अलकनंदा नदी के तट पर निर्मित कई मकान और धर्मशालाएं अभी खतरे की जद में है। इतना ही नहीं, मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों को लेकर निर्माणदायी कंपनियों की मनमानी से तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय व्यापारियों काफी आक्रोश है। बता दें कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके कार्य 3 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यकरण हो रहा है। इसके साथ ही नदी के किनारे विकास, वन वे लूप रोड का निर्माण, अस्पताल का वास्तविकरण और बहुउद्देशीय आगंतुक भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वहीं दूसरे चरण में बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के आसपास विकास कार्य होना है। वहीं तीसरे चरण में झील से मंदिर तक आस्था पथ और अन्य कार्य होने वाले हैं। और इसी बीच दोस्तों, एक पूरा का पूरा मकान अलकनंदा नदी में समा गया है। आसपास के लोगों का कहना है अभी कई मकान और धर्मशालाएं भी संकट में हैं, उनको भी खतरा हो सकता है। और ये सब कुछ दोस्तों कंपनी पर आरोप लगाया है। तो अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज।